प्रीवियस वीडियो में बताया था कि तुम लोग अपने स्क्रीन को कैसे मिरर कर सकते हो। तो देखो, मेरा फ़ोन में एयरफोन कनेक्टेड है, ठीक है, एंड मैं अपने टीममेट से इजीली यहाँ पे बात कर पाऊँगा, कोई भी डिले नहीं होगी। तो वाईफाई के थ्रू तुम लोग का यहाँ पे ऑडियो भी कास्ट होने वाला है। तो एनी मिरर एप्लीकेशन में, अगर तुम लोगों ने इस एप्लीकेशन को अगर नहीं चेकआउट किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कैसे इंस्टॉल करना, क्या क्या प्रोसेस है वो चेकआउट करना, एंड 4K रेजोल्यूशन में तुम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो अभी OBS के लिए स्ट्रीमिंग सेटअप तुम लोग को बताता हूँ। तो मैंने स्क्रीन को पे मिरर कर लिया। अगर तुम लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा स्क्रीन को कैसे मिरर करें 4K के अंदर में, वाईफाई के थ्रू ऑडियो भी कास्ट होकर, चेकआउट जरूर कर लेना वो वीडियो। एंड सबसे पहले तुम लोग अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लो, तुम लोगों को अगर स्ट्रीमिंग के लिए सेटअप करना है एनी मिरर से, एंड टीममेट से कैसे बात करना है, ठीक है। तो मैं OBS स्टूडियो ओपन करता हूँ, तुम लोग को यहाँ पे नया यहाँ पे सोर्स ऐड करना हो, ठीक है। मैंने काफ़ी सारा किया हुआ है, मैं तुम लोग को एक नया सोर्स दिखाता हूँ। प्लस के ऑप्शन में टैप करना, एंड मैं यहाँ पे अभी सोर्स का नाम यहाँ पे एनी मिरर दे देता हूँ, क्योंकि मैं उससे ही यहाँ पे स्ट्रीम करने वाला हूँ OBS के अंदर में। तो एनी मिरर नाम करके यहाँ पे तुम लोग को ओके कर देना। करने के बाद में तुम लोग को नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पे सोर्सेस टाइप का, यहाँ पे तुम लोग को विंडो कैप्चर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। विंडो कैप्चर सिलेक्ट करके कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे एनी मिरर BGMI दे सकते हो, तुम लोग कुछ भी नाम दे दो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे नाम दे करके ओके कर देना, एंड उसके बाद में तुम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर देना विंडो तुम्हारा कौन सा, बट वो एप्लीकेशन ऑन होना चाहिए पता ही होगा। तो उस विंडो को लाइव स्ट्रीम सिलेक्ट करना, एनी मिरर सिलेक्ट हो जाएगा 4K रेजोल्यूशन में, ओके कर देना। एंड स्क्रीन में तुम लोग को एडजस्टमेंट करके खुद फिट कर लेना, ठीक है, अच्छे से मैन्युअली फिट करना, ताकि तुम लोग ओवरले भी ऊपर से ऐड कर पाओ, कोई भी एडजस्टमेंट ना हो। तो मैन्युअली ऐसे फिट कर लेना भाई। ओवरले कैसे ऐड करना वो तुम लोग को मैं बता दूंगा। बट यहाँ पे गेम साउंड देख लो, प्रॉपर यहाँ पे गेम साउंड आ रहा है। एक चीज का याद रखना, तुम लोग का जो PC या फिर लैपटॉप का जो वॉल्यूम आता है ना, उसे तुम लोग यहाँ पे 10-20% या फिर 0 कर देना, क्योंकि तुम्हारा PC से भी यहाँ पे या फिर लैपटॉप के स्कीपर आई मीन स्कीपर से भी साउंड निकले, एंड स्ट्रीम से भी साउंड आने लगेगा, डबल हो जाएगा। तो अपना PC का वॉल्यूम को बंद कर देना, एंड यहाँ पे देखो डेस्कटॉप के अंदर में आराम से तुमको गेम का ऑडियो देखने को मिला, कोई भी डिले नहीं है, कोई भी लैग नहीं है। तो इजी तुम लोग जाकर के उसे सेटअप कर लेना। एंड अभी हम लोग बात करके ग्रीन स्क्रीन को कैसे ऐड हटाना है ओवरले के अंदर से, एंड तुम लोग ऑडियो का फिल्टर भी बता दूंगा। तो सोर्स में जाकर मीडिया में जाकर के तुम लोग ओके करना है, पे ओवरले में नाम दे देते हो, तुम लोग कुछ भी दे देना, एंड यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ बता, अगर लो एंड यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली ब्राउज पर टैप करना है। तुम लोग अगर लो एंड PC है तो हाई रेजोल्यूशन में ओवरले तुम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। अगर थोड़ा लो एंड है तो थोड़ा लो एंड एक्सपोर्ट करना, 480p हो गया, 540p हो गया। तो मेरा अभी फिलहाल ग्राफिक्स कार्ड नहीं है PC में, 520p भी मैंने ओवरले एक्सपोर्ट किया है, 720p भी है, बट उससे थोड़ा सा ज़्यादा लोड हो जाता है, हीट भी होने लगता है। तो ये वाला रेजोल्यूशन मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड लूप तुम लोग सिलेक्ट करना है, ताकि तुम लोग ओवरले बार बार प्ले हो। तो लूप सिलेक्ट करके ओके टैप कर देना, एंड तुम लोग को ओवरले आ जाएगा ग्रीन स्क्रीन के अंदर। अभी इसे हटाना कैसे, पहले तुम लोग अपने स्क्रीन को पूरा एडजस्ट करके फिट कर लो ओवरले को अपने स्क्रीन के अंदर में, जिस हिसाब से तुम लोग ने ऐड किया था। एंड उसके बाद तुम लोग लेफ्ट क्लिक करना, ओवरले के ऊपर ही लेफ्ट क्लिक करना है तुम लोग, एंड तुम लोग को फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नीचे। तुम लोग देखना स्क्रॉल डाउन करके, एक फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसमें टैप कर देना, एंड तुम लोग को नीचे में प्लस का ऑप्शन देखने को मिलेगा इफेक्ट फिल्टर में, एंड यहाँ पे क्रोमा की ढूंढ लेना कहाँ पर है, तो सेकेंड लाइन में क्रोमा की देखने को मिल जाएगा। इसे जैसे ही तुम लोग टैप करोगे ऑटोमेटिक ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा। अगर फिर भी नहीं हटता तो मैंने जो सेटिंग अप्लाई करके रखा हो देख लो स्क्रीन के ऊपर में, तुम लोग 480 है, तो वैसे थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करना, उनका ग्रीन स्क्रीन OBSCR बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। एंड अभी ऑडियो सोर्स कैसे ऐड करना है एंड बैकग्राउंड नॉइज कैसे हटाना है वो देख लो। तुम लोग को सिंपली सोर्स पे टैप करके ऑडियो इनपुट ऐड करना है, ठीक है, प्लस में टैप करके मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। एंड अगर फेस कैम करना चाहिए तो विंडो कैप्चर ऐड करना, तो ऑडियो इनपुट पर लेफ्ट क्लिक करके फिल्टर ऐड करना, एंड तुम लोग यहाँ पे 4 फिल्टर ऐड करना, ताकि बैकग्राउंड नॉइज तुम लोग का हट जाए यहाँ पे। तो जैसा मैंने फिल्टर ऐड किया, देखो प्लस के ऑप्शन पर टैप करना, सारा फिल्टर देखने को मिल जाएगा, बट इसमें से 4 ही सिलेक्ट करना, जो जो मैंने सिलेक्ट किया देख लो। नॉइज सप्रेशन ऑन करके छोड़ देना लो CPU यूज पे, एंड नॉइज गेट को यहाँ पे देख लो 32-22- पे थ्रेशोल्ड रखना है, पे क्लोज एंड ओपन को चेकआउट कर लेना तुम लोग खुद ही मैनुअली। एंड उसके बाद तुम लोग को जो थर्ड यहाँ पे चेकआउट करना हुआ है तुम लोग को लिमिटर, तो लिमिटर में थ्रेशोल्ड को तुम लोग 10x10- रख देना, तो उससे थोड़ा सा नॉइस कम हो जाएगा बैकग्राउंड का। एंड यहाँ पे कंपनसेटर में ऐड करके तुम लोग देख लो क्या क्या सेटिंग मैंने अप्लाई किया, वैसा करके तुम लोग करना, तो तुम्हारा ऑडियो भी प्रॉपर अच्छे से स्ट्रीम पर जाएगा। एंड भाई तुम लोग का ऑडियो भी कास्ट वाईफाई के थ्रू और एंड स्क्रीन भी मिरर आराम से तुम लोग स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर बिगनर स्ट्रीमर हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो चेकआउट करना अगर नहीं किया है तो, एंड फीडबैक जरूर देना कैसा तुम लोग को लगा, तो बाकी लोग को भी पता चल जाए ये चीज़ यार वर्क करता है तुम लोग को PC के अंदर।